अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं या पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी रहनुमाई का यूट्यूब चैनल उस्मान खान टीवी। मुकम्मल रहनुमाई मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में कि यूएचएस का मेरिट अब मजीद कितना ड्रॉप होने जा रहा है, कितने नए बच्चे दाखला उनको मिलने के चांसेस हैं, और सबसे बढ़ करके कि जो कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है। यूएचएस लाहौर का एक नोटिफिकेशन सामने आया था जो कि एंट्री टेस्ट 2019 को लेकर के है, ये आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये है वो नोटिफिकेशन जो यूएचएस लाहौर ने इंपोर्टेंट पब्लिक नोटिस आज जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि हमने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को फॉलो करना है जो 17 अक्टूबर को जारी की गई थी। अब आपको मैं दिखा देता हूं यूएचएस का ये ऑफिशियल एड है। जब प्राइवेट में आप अप्लाई कर रहे थे सितंबर के महीने में, तो आपको याद होगा यह इश्तिहार आपके सामने आया होगा जिसके अंदर तमाम कॉलेजेस के थे और इसके अंदर शेड्यूल दिया गया था। और इस शेड्यूल को अगर आप देखें तसल्ली से और गौर से, तो यहां पर आप लोगों को दिखाते चले कि यह वो इश्तिहार है जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताया गया था कि मेरिट लिस्टें कब कब जारी होंगी। तो ये आप इस वक्त देख सकते हैं कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 17 अक्टूबर की इन्होंने डेट दी थी कि 17 अक्टूबर को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होगी, जबकि ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिले हो गई थी और ये 17 अक्टूबर की बजाय 4 नवंबर को जारी की गई थी। दोस्तों 4 नवंबर की ये मेरिट लिस्ट है जो कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एमबीबीएस और बीडीएस की। अब इसका लिंक आपको मेरी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। इन जो प्रोविजनल मेरिट लिस्टें हैं जो कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं 4 नवंबर वाली, इनका लिंक आपको वीडियो के नीचे दूंगा। यहां पर यह कहा गया है कि जो मेरिट नंबर 7500 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं उनको अब चांस दिया जाएगा अप्लाई करने का। 7500 आपको यहां पर मैं अगर ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट दिखा दूं यूएचएस लाहौर का, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर जो लास्ट कैटेगरी दी गई है 7504 बच्चे तक के लिए एमबीबीएस के लिए चांस है। और ये आपको मैं अगर मेरिट दिखा दूं तो 7504 का जो मेरिट है दोस्तों, तो ये कम से कम मेरिट बनता है 76.3182, यानी 76.31% वालों के लिए राहें और रास्ते रोशन हो गए हैं यूएचएस लाहौर में, उनको चांस मिल सकता है। अगर वो अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो आप जरूर आजमाएं। ये 500 मजीद बच्चा है जो एमबीबीएस के लिए यूएचएस ने इसको शामिल कर लिया है एडमिशन प्रोसेस में, जबकि अगर हम बीडीएस की बात करते चलें तो बीडीएस की जो ओपन मेरिट की लिस्ट है वो मैं इस वक्त आपके सामने ओपन करता हूं, और इसके साथ साथ आपको बताता हूं कि बीडीएस वालों के लिए जो 500 बच्चा है यानी 3753 नंबर तक के बच्चे को चांस मिलने के जो है वो उम्मीद नजर आ रही है। और इस वक्त आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं 3753 नंबर बच्चा जो है जो कि बीडीएस के अंदर है। अगर उसका मैं मेरिट देखूं तो यहां पर दोस्तों आपके साथ हम शेयर करते चलें 3753 नंबर पर जो बच्चे आते हैं तो उनका मेरिट कितना कम से कम होगा और जो है चांस कितना, क्योंकि इस वक्त 72 पे मेरिट आ चुका है और अब नीचे मजीद कितने आने के चांस हैं। 3753 नंबर पे हम आपको इस वक्त मेरिट दिखा रहे हैं और ये जो मेरिट है यानी कम से कम जो बच्चे को उम्मीद है कि उसके जो है वो दाखिले होने के, वो है 70.5। ये वो कम से कम फिगर है जिस पर बच्चे जो है वो पुर उम्मीद रह सकते हैं। हमारी दुआएं हैं अल्लाह पाक से कि आपके लिए आसानी हो, और सबसे बढ़कर के आपको ये बता दें कि 4 नवंबर की ये मेरिट लिस्टें अब फॉलो की जाएंगी। 17 अक्टूबर को ये मेरिट लिस्टें जारी होनी थी जो कि डिले हो चुका था उनमें, और ये कोर्ट ऑर्डर्स की वजह से वही 17 अक्टूबर वाली लिस्ट है जो कि 4 नवंबर को जारी हुई थी। तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं परेशान होना, एमबीबीएस और बीडीएस की ये जो 4 नवंबर वाली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है इसका लिंक आपको मेरी वीडियो के नीचे मिलेगा। और आपको यह भी बताते चलें कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग अब जो प्रेफरेंस होगी वो कल से शुरू होगी, कल सुबह 9 बजे से। उसके लिए आपको आपने कैसे प्रेफर करना है अपने कॉलेजेस को, तमाम के तमाम कॉलेजेस को आपको प्रेफर करने का जो है वो मौका दिया जाएगा, एक अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए, और ये लाजमी होगा तमाम बच्चों के लिए जिन्होंने पहले जिनका दाखिला हो चुका है या जो अब वेटिंग लिस्टों में है उन्होंने अपना दाखिला सिक्योर करना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा जिसके अंदर आपको वेरी एसेंशियल इंफॉर्मेशन हम देंगे कि आपने प्रेफरेंस कैसे देनी होगी और अब यूएचएस की क्या पॉलिसी होगी। अपना रखिएगा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज़।